कोई भी व्यक्ति लिख के आपको दे सकता है कि आप सफल होंगे। और सफलता के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में तो बोमू सर ने बहुत सारी विस्तृत चर्चा की है, कुछ छोटे छोटे टॉपिकों पर मैं भी चर्चा करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आरसीएम में काम करना कितना आसान है। बहुत सारे मुद्दे आप पहले से कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप पहले से कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको हो गई, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने यूज कर लिए, कंपनी के बारे में आपने जान लिया, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जानते हैं आप सब कुछ है, लेकिन अभी भी आपको आरसीएम करना बहुत कठिन लग रहा है। कठिन क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानकारी का अभाव है या जानकारी पूरी न होने की वजह से सामने वाले के पास कोई ऐसी जानकारी है जो हमसे अचानक टकराती है तो हमारे माइंड के दरवाजे खुलते हैं। और ये इस मीटिंग हॉल में आने का यही कारनामा होता है कि कोई भी बाधा बाहर जो भी क्वेश्चन आपसे किया जाता है उसका सवाल आपको इस मीटिंग में मिल जाता है, ठीक है। और कितना आसान है आरसीएम में काम करना इसके बारे में मैं अगले 10 से 15 मिनट में आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर हम आरसीएम को बोझ लेके हम खड़े इस तरीके से काम करेंगे तो आरसीएम हो नहीं पाएगा। और आप भी इस तरीके से न करें, आरसीएम केवल और केवल एंजॉयमेंट का एक तरीका है, जिसे आप सही तरीके से समझेंगे तो आपका आरसीएम तोड़ने लगेगा। मैं बात करूं आरसीएम में कितना आसान है, देखिए एक फॉर्मूला है जो लोग आरसीएम बिजनेस को सही तरीके से करते हैं वो इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, वो फॉर्मूला है आई डू, यानी जो भी आपकी एम्प्लॉयर है, जो भी आपका सीनियर है वो आपको ये बताता है पहले मैं करता हूं, आपकी बारी नहीं, आप अपने बारे में न समझे, आप अपने बारे में इस चीज को न समझे, पहले जो एम्प्लॉयर है, जो भी स्पॉन्सर व्यक्ति है आपको लेके आया वो आपको बताएगा कि इस काम को मैं आपको करके बताता हूं। क्या बाहर ऐसा होता है? बाहर ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट में एक बार इस चीज के बारे में जानकारी दे भी देगा तो वो उस बात को आपको बार बार नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लगातार मीटिंग आयोजित होती है, सेमिनार्स होते हैं, सर भी बार बार आ रहे हैं, मैं भी बताने की कोशिश करता हूँ और मेरे भी सीनियरों ने मुझे बताने की कोशिश की है, तो हम एक ही चीज को बार बार सीखेंगे तो किसी ना किसी रूप में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आप क्या किसी काम को करने से पहले ये मजबूरी हमारे सामने आएगी कि जब दूसरे वाले ने हमें पहले से बता दिया कि हम परेशान हूं? क्यों जी भाई, हमारी एम्प्लॉयर ने हमें बताया कि पहले मैं करता हूं, आपको नहीं करना। जब पहले वो कर रहे तो आपकी जिम्मेदारी को तो खत्म है, आपकी असफलता आपको मिल रही है, आपको परिणाम नहीं मिल रहे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, प्रभु सर की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमसे भी कोई सवाल नहीं आएगा तो हम सबसे पूछ लेंगे, ठीक है। आई डू यानी पहले ये करके दिखाएंगे, उसके बाद जो है वो है वी डू। इसके बाद भी इनका कहना ये है कि आप लोग अकेले फील्ड में नहीं जाएंगे, यानी हम और आप लोग दोनों ही लोग मिलके इस काम को करेंगे जी। कैसे मिलके करेंगे? क्या कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग देखे आपने कंपनी में बैठ के तो बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं लेकिन जब उनका एम्प्लॉई फील्ड में जाता है तो खुद ही काम करता है, चाहे कहीं गलत करके लाए चाहे वो सही करके लाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा सर के द्वारा बताया गया कि अभी आप सीख तो रहे हो लेकिन हम अभी मिलकर काम करेंगे क्योंकि आप पूर्ण रूप से उस चीज को सीखे नहीं हो, ठीक है, हम लोग मिलकर काम करते हैं। इसके बाद जो है वो है यू डू। You do, यानी अब आप बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं और काम देना सीख चुके हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताना सीख चुके हैं, कंपनी के बारे में क्या सवाल होते हैं इसके बारे में आप सीख चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है, कितना टर्नओवर हमारे यहाँ पे है, कितना 2025 में होने वाला है, आज हमारी ग्रोथ कितनी है, कल को हम कितना कमा पाएंगे, इस सिस्टम के द्वारा ये सारी चीजें आप सीख जाओगे तब आपसे कहा जाएगा आप करिए, आप करिए, तो कितना आसान हो सकता है। अब इसी तरीके से अगर हम इस फॉर्मूले को उल्टा भी कर ले, फॉर्मूला तो वही होता है जो उल्टा और सीधा अगर आप लगा दें दोनों तरफ से लग जाए, अगर कोई भी सिंसियर डाउनलाइन भी है, कोई भी सिंसियर डाउनलाइन भी है जिसे कुछ भी नहीं आता तो वो अपने सीनियर से या अपने स्पॉन्सर से कह सकता है सर पहले यू डू, पहले आप करो, मेरे को नहीं आता, पहले आप करो, आप मुझे करके बताओ, जब आप वो तुम्हारे सामने करेंगे कुछ तो आएगा, हर डाउनलाइन जो जागरूक है जो भी है वो ये कहेगा सर थोड़ा थोड़ा आ गया मैं भी करूंगा आपके साथ में, वी डू,
हम करेंगे और उससे अगर आगे वाले कदम पर कंडीशन ऐसी आएगी, सर आपने मुझे सिखा दिया, अब आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आई डू वी डू यू डू एक फॉर्मूला है, इसको आप अपने दिमाग में रखें, कहीं भी फील्ड में जा रहे हैं आप अकेले नहीं हो, और इस फॉर्मूले को अगर आप लगाएंगे तो मेरा मानना यह है कि आप पर्सनल कहीं भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। क्या ऐसी कंडीशन आ रही है आपको जो आप कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लागू हो रहा है, नहीं हो रहा होगा? कई बार कंडीशन ऐसी आती थी कि सपोज करो ये निरंजन शर्मा जी है, इन्होंने मेरे से पूछा यहाँ पे, मैं भी नहीं हूँ, तो फिर जिम्मेदारी है अपने स्पॉन्सर में, बबलू सर भी आते, इनसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सर वो नहीं है, और ये हो रहा है हमारे साथ में, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, मेरा मानना यह है अगर हम उन्हें फॉलो करें तो हम यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इस हॉल में आने की ये गारंटी है कि आप लोग, मैं मानता हूँ, इस हॉल में लगातार आते रहिए, सफलता की गारंटी हमको मिलती है। और सफलता कोई सर बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, सफलता अंदर के कॉन्फिडेंस से मिलती है। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर मैं करके दिखाऊंगा, ये बिजनेस मेरी जिम्मेदारी है, कोई करे न करे, क्योंकि जो जिस स्थिति में मैं जी रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, उससे मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। लेकिन सबसे बड़ा दाव हम अपनी जिंदगी में अगर आरसी बिजनेस में आ भी गए तो ये लगा सकते हैं कि जैसी जिंदगी सर हमने काटी, उसका तो राम मालिक था, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ ऐसी जिंदगी हमारे बच्चे नहीं काटेंगे, हम अपने बच्चों के सपने पूरे कर पाएंगे।